बनारस शहर में लीजिए दुबई का मजा। दुबई थीम सिटी में बुर्ज खलीफा, एफिल टावर, लंदन ब्रिज के साथ कई आकर्षक झूलों एवं तरह तरह की दुकानों के साथ स्वादिष्ट व्यंजनों का उठाइए लुत्फ। एचपी पेट्रोल पंप के पास दुबई कुंज वाराणसी। हर साल दिवाली पर चाइना के सजावटी सामानों से बाजार भरे पड़े रहते थे, लेकिन इस बार वाराणसी समेत पूर्वांचल के बाजार में चाइना के फैंसी सजावटी सामानों के सामने अपने देसी कुम्हारों के बनाए गए मिट्टी के सामानों की धूम है। लोग बड़ी संख्या में इस इको फ्रेंडली मिट्टी के खूबसूरत और चटक रंग के सजावटी दिए लेने के लिए विवश हो जाएंगे, क्योंकि प्रधानमंत्री का भी आह्वान है वोकल फॉर लोकल का। इसको देखते हुए इस बार दीपावली पर लोग दीयों का प्रयोग ज्यादा करते हुए नजर आएंगे, कुम्हारों को इसकी आशा है। वाराणसी के फुलवरिया ग्राम सभा में कुम्हारपुरा मोहल्ला, जहां लोग पहले प्रत्येक घरों में मिट्टी के बर्तन और त्योहारों के हिसाब से दिए बनाने का कार्य करते हैं। फुलवरिया के इस कुम्हारपुरा में अब लोगों के पास इलेक्ट्रिक चाक मशीन है, जिस पर लोग ज्यादा से ज्यादा दिए बनाने का कार्य कर रहे हैं। इलेक्ट्रिक चाक पर काम करने वाली नीलू देवी ने बताया कि हम लोग इस पर ज्यादा आसानी से काम कर लेते हैं और एक दिन में लगभग 1000 कुल्हड़ तैयार कर लेते हैं। उन्होंने बताया कि इधर कुछ दिनों से बीमारी के चलते दीपावली की तैयारी में थोड़ा विलंब हो गया है। जो कार्य 1.5 से 2 महीना पहले शुरू करते थे, वो विगत 1 महीना से शुरू कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि दिया मार्केट में 50 से 60 रुपए कसौरा, 3 से 4 रुपए पीस घंटी, 5 से 6 रुपए पीस घड़िया, 2 से 3 रुपए पीस और छोटी वाली दिया 30 से 40 रुपए सैकड़ा के हिसाब से बिक जाता है। कुछ लोग अभी भी पुराने चाक पर काम करते हुए नजर आए। उनका कहना था कि हमको इसी पर काम करने पर आसानी होती है। बताया कि मिट्टी अब जल्दी उपलब्ध नहीं हो पाती है, हम लोग मंगाते हैं, वो लगभग 3500 से लेकर 4000 रुपए प्रति टन के हिसाब से मिलती है। उसे अनुपात में अगर देखा जाए तो हम लोगों को बहुत ज्यादा फायदा इसमें नहीं हो पाता है। हम लोग ट्रैक्टर से मंगाते, पहले तो साइकिल से लाते थे, इधर उधर मिल जाता था। अब मिट्टी जो है दूर देहात से आ रहा है, जो 4000 रुपया ट्रैक्टर मिट्टी है, इसके बाद ले आके गिरवाते हैं, उसको ढोते हैं पूरे परिवार लपट के, फिर इसके बाद उसको छोटा छोटा कूच के घाम में फैलाते हैं, घाम से सब सूख जाता है तो गड्ढा बनाया उसी गड्ढे में डालते हैं, उसको फिर छानते हैं झरना से, छानने के बाद जब करेर होगा तो उठा के उसको घर में रखेंगे, रखने के बाद तब उसको जो है कि पिंडा बनाएंगे, पुरवा बनाने वाला पिंडा बना के तब उसको चाक पर बिठाएंगे, तब गढ़ेंगे हम लोग। और मजदूरी बहुत कम है, इसीलिए बच्चे करना नहीं चाहते हैं। हमारी रेट मांग है मिट्टी की और रेट का, रेट सही होना चाहिए, कम से कम ये पुरवा 80-90 का जाना चाहिए। जो इन लोग इतना मेहनत करके गली गली दिया बेचने जाते हैं और इतना महंगा मिट्टी लाते हैं, तो हम यही चाहते हैं कि जनता इनसे दिया खरीदे। और जो इधर उधर जो लोग ये लोग गली गली घूमते हैं, तो अगर इनके यहाँ आकर दिया खरीदे तो इन लोग को ज़्यादा सहूलियत होगा और इनका थोड़ा मेहनत जो करते हैं उससे फिर बचेंगे। रात भर इन लोग जो मिट्टी का काम करते हैं और सुबह फिर गढ़ते हैं, फिर उसको सुखाते हैं, फिर उसके बाद आवा में उसको लाल करते हैं, फिर इसके बाद इन लोग सरिया और लेके जो जाते हैं तो काफ़ी मेहनत करते हैं। तो इस हिसाब से इन लोग का थोड़ा आमदनी कम है, तो इन लोग परेशान भी रहते हैं, अपने बाल बच्चों को ठीक से पढ़ा लिखा नहीं पाते हैं, इनकी रोजी रोटी ठीक से नहीं चल पा रही है। हम यही अपील करते हैं कि अगर ये लोग मेहनत कर रहे हैं और सर पे लेकर घूमते रहते हैं दिया हुआ, तो लोग इनसे दिया खरीदे, इनसे जो है दिवाली का सामान खरीदे। ऑनलाइन जो परचेस कर रहे हैं, ऑनलाइन में दिक्कत ये है कि आप सामान तो ले लिए पर ये गरीब आदमी कहाँ जाएंगे खाने के लिए कमाने के लिए। ऑनलाइन आता है, इनके यहाँ तो मान लीजिए आप आएंगे तो अपने मन का उसको देख कर ले लेंगे, ऑनलाइन जैसा मन वैसा दे देते लोग रख लेते हैं। जीएस ऑटोमोबाइल्स की ओर से धनतेरस और दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। महाकुंभ सेल ऑफर में पाइए हीरो की कोई भी मोटरसाइकिल या स्कूटर की खरीद पर ढेरों निश्चित उपहार, स्मार्ट वॉच, ईयरबड्स, स्मार्ट टीवी, 3000 का पेट्रोल पंप जैसे उपहार। बुकिंग केवल 501 रुपए से शुरू। जीएस ऑटोमोबाइल्स एसोसिएट डीलर हीरो मोटोकॉर्प, राजा तालाब, वाराणसी।